من الشيطان بالله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. कर्बला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. आज 20 मुहर्रम अल हराम है, 9 अगस्त है और जुमे का रोज है. परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफिस होंगे. नाज़रीन, हमने पूरी कोशिश की रोज़े अव्वल से और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी तारीखी हवालजात हैं और जब कर्बला और कर्बला में शहादतों के बाद रोज़े आशूरा के बाद शाम करीमा से लेके और उसरा आले मोहम्मद के कारवान को जिस तरह से वहां से सवार किया गया, जिस जुल्म सितम के साथ लेकर आगे बढ़ा गया, वरूद कूफा हुआ, कूफे के अंदर जो खुतबात हुए, वहां के जो हालात हैं उनके ऊपर लेकर जो है वो हमारी गुफ्तगू जारी व सारी. और जब कूफे से आगे बढ़ने की तारीखें होंगी तो उसमें जिस जिस मुकामात पर जहां जहां से कारवान गुजरा है और उसमें जो कुछ तारीखों ने कलमबंद किया है, पूरी कोशिश करेंगे कि उन जगहों के एतबार से और तारीखों के एतबार से आपकी खिदमत आलिया पेश किया जाए. आज जो है वो कूफे के हालात पे मजीद बात होगी. कूफे के अंदर जो तागूत शिकन खुतबात दिए गए जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा ने, जो कि तारीख जिन अल्फाज को और जिन अल्फाज के उसकी मतन की गहराई को कभी फरामोश नहीं कर पाएगी, हम बार बार एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब भी कोई इंसान गुफ्तगू करता है तो उसके लिए एक माहौल, एक साजगार माहौल की जरूरत होती है. आपने जब खुतबे दिए तो उस वक्त आप रसद बस्ता थी, चारों तरफ से जमाहिर से जो है वो एक शोर गोगा था और एक ऐसे वक्त में एक ऐसे कलाम आप से सादिर हुआ जिसमें जो अरबी अदब से वाकिफ है वो जानते हैं कि उसके अंदर किस कदर गहराई है और किस कदर अंतीक है. तो इन तमाम चीजों को लेकर अभी खिदमत में हाजिर है, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी हरदिल अजीज शख्सियत रईस मजलिस उलमाए शिया हिंद जनाब अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिज़वी साहब. कबला आपकी खिदमत में सईद शहदा का पुरसा भी पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम पेश करेंगे. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु, अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र इंशाअल्लाह माजूरीन. जजाकअल्लाह कबला, जजाकअल्लाह. और नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का आगाज करना चाहेंगे. कबला, कूफे में वरूद हुआ, कूफे के अंदर शोक होगा है. आपने कुछ लास्ट प्रोग्राम में शहजादी के कुछ कलमात तबरुकन खुतबे के जो है वो यहाँ पर अर्ज किए थे, उस पर भी हम आएंगे, उससे आगे भी उसको बढ़ाएंगे. कूफे के मजमूई तौर पर हालात क्या थे जिस वक्त उसरा आले मोहम्मद का काफिला एक कैदियों की सूरत में वहां पर मौजूद था, तो अतराफ का माहौल और कूफे का माहौल और इब्ने ज़ियाद ये लोग ये सब किस उसके अहवाल क्या थे, किस हाल में. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرين ناظرين مشاركين مشتركين مشاهدين مستمعين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अजीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए और अजीम तरीन इस इबादत की जजा अजर अजजल अता फरमाए. यकीनन हीनमा खरजत अस्सय्यदतो ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा मिन अर्द कर्बिन वबला वसाफरत औ ज़हबत इला अर्दे अल-कूफा. अली की बेटी मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा बेटी की जिसका लकब मुल मसाइब भी है और जिसे वक्त के इमाम ने आलमे गैर मुअल्लमा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी जो मासूमीन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कि मासूमीन जमीन पर आकर तालीम हासिल नहीं करते बल्कि आसमान की बुलंदियों से खुदा की जानिब से इल्म लेकर आते हैं. ये लफ्ज लिसान इस्मत से खारिज हुए, यानी लिसान मासूम से, लिसान ज़ैनुल आबदीन से ये लफ्ज निकले हैं कि अंते आलिमतुन, यानी आप आलिमा हैं. बहुत अहम जुमला है, इमाम आलिम होता है. अली के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ, अली आलिम हैं, रसूल खुदा आलिम कायनात हैं, मौलाए कायनात आलिम कायनात हैं.
इसी तरह हजरत ज़ैनब के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, अनसे आलिमतुन, अल्लाहु अकबर, जिस शहजादी को, जिस मरकज शरफ व तअज़ीज़ व तबजील व तौकीर को वक्त का इमाम लफ्ज आलिमा से खिताब करके कहे अंते आलिमतुन, और अगर सिर्फ लफ्ज आलिमा पर इमाम ठहर जाते तो ये होता कि आलिमा तो हैं मगर इनकी मुअल्लिमा कौन है, पढ़ाया किसने, फौरन इमाम ने उसको मुस्तस्ना लफ्ज कर दिया, गैर मुअल्लमतिन, आप आलिमा हैं मगर आपको किसी ने पढ़ाया नहीं है, आप मुअल्लमा नहीं हैं, आप मुदर्रिसा हैं, मुअल्लिमा हैं, लेकिन गैर मुअल्लमतिन यानी आपको किसी ने तालीम नहीं दिया, बशरियत को तालीम देने के लिए जो दवात आसमान की बुलंदियों से जमीन पर आए हैं उनमें से मसलन अहले बैत अथार हैं, उसमें से हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। और कभी कभी मैं दो लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि करबला की तारीख में दो हस्तियां ऐसी हैं, एक हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिन्होंने जमीन पर आकर इल्म हासिल नहीं किया, और दूसरी शख्सियत है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कि जिनके लिए वक्त का इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, खुदा की कसम ऐसे अल्फाज है, मैं रात में देख रहा था कि बशरियत हिल जाए जनाब अब्बास को लेकर, यानी जो मकाम है, जो शरफ है, जो इर्तिका है जनाब अब्बास की, वो मकाम मारिफत पर जहां पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम है। तो अली की बेटी करबला से शाम तक गई। अब यहां पर नाजरीन और मुशाहिदीन की खिदमत में जरूर अर्ज करूंगा कि गौर करने की जरूरत है, थोड़ी देर के लिए रुकें, सोचें, फिक्र करें। एक तरफ सहराए करबला, तड़पते हुए लाशों को अली की बेटी ने देखा, कटे हुए सरों को देखा, भूख प्यास शिद्दत दर्द कर मुसीबत तड़प और इस्तराब, जलते हुए खैमे, जलता हुआ बिस्तर, बेटे को खैमे से निकालना, भाई के लाश तक जाना, जवान बेटे अकबर के लाशे तक जाना और जाकर अकबर के लाशे पर खुद को गिराना, और मोहम्मद के लाशे पर गिरिया न करना, कासिम के लाश के टुकड़ों को देखना, एक तरफ मक्तल है, सहरा है, दर्द है, तड़प है, कुर्बानी है, और सहराए करबला की अजीब सी कैफियत है, मैं अरबी कुतुब में देख रहा था, अजीब फिक्रा था, खुदा की कसम मेरा दिल तड़प गया, यानी आसान नहीं है जनाब ज़ैनब की शख्सियत पर गुफ्तगू करना, आसान नहीं है, यानी अक्ल इंसानी हैरान है, उकुल इंसानी हैरान है कि किस जिगर की ये बेटी है, किस जबले सब्र की ये शहजादी है, किस ममलकते मोजज़ात की ये रईसा और अम्बला है कि एक तरफ इतनी कुर्बानियां, एक दिन में एक शहजा, इतनी कुर्बानी, भाई मारा गया, खैमे जल गए, बेटे शहीद कर दिए गए, भतीजे शहीद कर दिए गए, और उसके बाद अली की बेटी सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब करबला से निकली हैं, अब मैं जो कैफियत बयान करना चाहता हूं इस पर गौर कीजिएगा अजीजम जवाना ने मन, कभी आपने सोचा है इमाम हुसैन जब तक करबला के सहरा में शहीद नहीं हुए थे, एक धारस तो थी कि वक्त का इमाम है, मौजूद है इमाम, अकबर के लाशे पर इमाम जा रहे हैं, कासिम के लाश को टुकड़ों को इमाम चुन रहे हैं, लेकिन शहादत इमाम के बाद जिम्मेदारी जो आई है वो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर आई है। अब मैं जो फिक्र अर्ज करना चाहता हूं, सहराए करबला में तड़पते हुए बच्चे थे, बिलखते हुए बच्चे थे, सिसकते हुए बच्चों, और हर तरफ एक सदा थी, ज़ैनब ज़ैनब ज़ैनब, कोई बच्चा आवाज देता था, किसी को रुखसार पर तमाचे तो आवाज आती थी ज़ैनब, किसी को कोई नैदा मारता था तो बच्चा रोता था ज़ैनब। एक जुमला में अर्ज कर दूं नाजरीन, करबला से लेकर कूफा और शाम तक 80 बच्चे थे, 80 अफराद, लेकिन सिर्फ 35 वापस गए हैं, बाकी ये बच्चे कहां गए, रास्ते की सौबतों में तड़प तड़प के कुछ बच्चे मर गए, कुछ नाके से गिर के बच्चे मर गए, कुछ घोड़ों की टापों से कुचल के बच्चे मर गए, कुछ बच्चे प्यास की शिद्दत से मर गए। अजीब सी कैफियत है, अजीब सी कैफियत है जमीने करबला पर, जमीने करबला पर अजीब सी कैफियत है,
और वहां पर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नुमाइंदगी कर रही हैं। अब उसके बाद अली की बेटी करबला पहुंची है, करबला से शाम की तरफ, शाम से पहले कूफे की तरफ। अब जब कूफे की रास्ते से गुजरी हैं, तो कभी अंदाजा लगाया मुशाहिदीन आपने कि किसी बीबी पर कोई मुसीबत आती थी वो किसे पुकारता था? ज़ैनब शहज़ादी। सही। किसी बच्ची पर कोई जुल्म करता था किसे पुकारता था? ज़ैनब। यानी हर तरफ से ज़ैनब 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 ज़ैनब, यानी मिन अर्द कर्ब व बला इला अर्द कूफा ज़ैनब 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 ज़ैनब। यानी प्यास की शिद्दत से कोई बच्चा तड़प रहा है तो आवाज दे रहा है, कोई कह रहा अम्मती ज़ैनब, कोई कह रहा उख्ती ज़ैनब, कोई कह रहा बहन ज़ैनब। उम्मे कुलसूम को किसी ने नैज़ा मारा तो रोकर कहा बहन ज़ैनब, किसी ने जनाबे सकीना के रुखसार पर तमाचे मारे तो कहा बहन फूफी ज़ैनब। ऊंट की पुश्त पर रस्सी से जब अली की पोती को, हुसैन की बेटी को बांधा गया तो कहा अम्मती ज़ैनब। तो करबला से लेकर शाम तक, यानी पहले कूफा और कूफा से शाम, बहुत सऊबतों वाला रास्ता था, सख्त रास्ते से गुजरी है, शवा के कांटे, जबल, पत्थर, तड़प, सोने न देना। हत्ता कि मैंने तारीख में देखा कि एक शकी को जालिम ने मखसूस किया था कि अली की बेटी को सोने न देना। करबला से मकसद यह था कि ये नींद की वजह से, जब इन्हें नींद नहीं होगी, सो नहीं पाएंगे, तो इसी तरह से इनका इंतकाल हो जाएगा। और इसी वजह से मकातिल के जुमले हैं करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर शाम तक रास्तों में लाशें गिरी हैं, लाशें गिरी हैं, इंतकालात हुए हैं, बहुत इंतकाल, बहुत शहादतें हुई हैं। तो जब अली की बेटी रास्ते में कहीं थक के अगर आंख लग जाती थी तो जालिम नैजे की अनी चुभ होता था। अली की बेटी कूफा पहुंची है, कूफे के जो हालात हैं अजीजम, इब्ने ज़ियाद इब्ने मरजाना, यजीद इब्ने माविया की तरफ से नुमाइंदा, और यजीद को खलीफा किसने बनाया? माविया इब्ने अबी सुफियान ने। अली की बेटी पहुंची है, जमाहीर है, और कूफे के शहर में इब्ने ज़ियाद ने अपनी अफवाज को, अफराद को, लोगों को, क्राउड को जमा कर रखा है। और एक नेगेटिव लोग अमूमन सवाल करते हैं कि इब्ने ज़ियाद दारुल अमारा तक आया कैसे, इब्ने ज़ियाद को लाया कौन? जिस तरह से हम अक्सर सवाल करते हैं कि यजीद तो है बुरा, यजीद को यजीद बनाने वाले जो है वो तश्तस्बाम होने चाहिए, और वो पूरा जो एक सिलसिला है वो वाजे होना चाहिए। यजीद पर लानत करके लोग जान छुड़ा लेते हैं कि जी यजीद तो बहुत बुरा था, यजीद पर लानत कर दी। यजीद को यजीद बनाया गया, उसकी अशायर से बयत ली गई, तो इसी तरह इब्ने ज़ियाद को भी लाया गया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि गौर करें कि यजीद किस फैक्ट्री का है, इसका प्रोडक्शन कहां से हुआ, और यजीद के पीछे वो हाथ कौन से थे, और यजीद से पहले अगर आप गौर करें तो ये तारीख की हकीकत है। यजीद को तख्ते हुकूमत तक लाने में जितना अमल मुआविया इब्ने अबू सुफियान का था, उससे कहीं ज्यादा सुकैफा के अफराद का था। अहले सुकैफा ने सारे रास्ते हमवार किए थे। यानी ये जो निज़ाम इस्लामी या शरीयत इलाहिया या दीन मोहम्मद जो मासूम के हाथों में होना चाहिए था, जो इस्मत के हाथों में होना चाहिए था, जो अहले बैत अतहार के हाथों में होना चाहिए था, जिसके लिए 18 ज़िलहिज्जा को नबियों के सुल्तान और सरदार ने ये कहा था, मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला। उसके बाद जो आयत है कि बल्लिग या अय्युहर रसूल बल्लिग, बल्लिग का मतलब तबलीग करते रहिए, क्या तबलीग करते रहिए, यानी विलायत अलीयन अलैहिस्सलाम। उसकी वजह यह थी कि खुदा भी जानता था, नबी भी जानते थे कि अली की विलायत को फरामोश करके अफराद सुकैफा में चले जाएंगे। मसला अहले बैत अतहार का नहीं है जवानान, मसला यह है कि दीन किन हाथों में चला गया, शरीयत किन के हाथों में चली गई। मसला खिलाफत का नहीं है, अहले बैत अतहार को खिलाफत की कोई जरूरत नहीं है, तो आसमान की बुलंदियों पर थे, और बुलंदियों पर जब ये नूर साते होता था तो खुद फरिश्ते घबरा जाते थे। फरिश्तों ने सोचा कि ये नूर किसका नूर है,
हत्ता की कुछ ऐसी रिवायतें भी पाई जाती हैं कि ऐसा लगता था एक फरिश्ते को शायद ये नूरे खुदा है, और वो परेशान हो जाते थे। तो ये आसमान की बुलंदी है, पर्थ है, इनको शरफ, तौकीर, तब्जील, ताजीज, तकरीम, तनवीर, खिलाफत, दौलत, हुकूमत, ताकत, तख्त, ताज, ये इनकी जरूरत नहीं है इन तमाम चीजों की। ये जमीन पर आए थे बशर को बुलंद करने के लिए, ये मोहताज खिलाफत नहीं। मगर मसला ये जो पेश आया सुकैफा में, जो अफराद चले गए गदीर के बाद गए हैं, चलिए गदीर से पहले ये था कि विलायत अली का ऐलान जाहिरी तौर पर तो नहीं था, लेकिन गदीर में जब ऐलान हो गया तो सुकैफा में गए कैसे लोग? नहीं जाना चाहिए था सुकैफा में, और अगर गए तो सवालात जो हाजी मौजूद थे उन्होंने कंडम क्यों नहीं किया कि तुम सीरत रसूल से हट रहे हो, तुम हुक्म रसूल से हट रहे हो, तुम शरीयत से हट रहे हो, तुम दीन से हट रहे हो, तुम निजामे बशरियत से हट रहे हो, तुम कुरान से हट रहे हो, तुम आईने आयत से हट रहे हो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करके सुकैफा में क्यों गए? जब ये निजाम शरीयत को अल्लाह ने मासूम हाथों में रखा है तो दूसरे हाथों में ये क्यों चली गई चीज? उसकी वजह से जो नुकसान हुआ आलम बशरियत को आज भी नुकसान हो रहा है। और खुदा की कसम मैं अर्ज कर रहा हूं, याद रखिएगा, अगर मजलूम करबला इमाम हुसैन सहराए करबला में कुर्बानी ना पेश करते तो इस्लाम कौन सा होता? शाम वाला इस्लाम। और इस्लाम की शाम हो जाती मगर मजलूम करबला ने सहराए करबला में खून के दरिया में गोता लगाकर एक ऐसा नूर दुनिया के सामने पेश किया, वो नूर इस्लाम, वो नूर दीन, वो नूर शरीयत, कि दुनिया उस नूर को समझ गई कि हकीकत में यही दीन है, यही इस्लाम है। वरना पूरी दुनिया में शामी इस्लाम जाता, सुकैफा वाला इस्लाम जाता, शामी इस्लाम सुकैफा वाला इस्लाम जाता। क्या अगर इमाम हुसैन इदा लम यखरुज अल हुसैन इदा लम यखरुज अल हुसैन अलैहि सलातु वसलाम मिन मदीना इला अर्द करबिन वला, अगर इमाम हुसैन ना जाते तो पूरी दुनिया में कलमा किसका पढ़ा जाता? सवाल मैं खुद उम्मत मुस्लिमा से कर रहा हूं, कलमा किसका पढ़ा जाता? यजीद का पढ़ा जाता, क्योंकि यजीद तो खुद कह रहा था कि कोई दीन नहीं आया, कोई इस्लाम नहीं आया, कोई शरीयत नहीं आई, कोई कुरान नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, तो नबी का नाम बाकी रहता? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं होता, लफ्ज़े मुहम्मद की जगह पे किसी और का नाम आ जाता। और क्या होता? मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आता, यजीद का नाम आता, माविया का नाम आता, दीगर अफराद का नाम आता। लिहाजा सलाम करो उस नजात दहिंदे बशरियत को जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की। और ये कुर्बानी क्यों पेश करनी पड़ी? गलतियों की वजह से अजीजाने गिरामी, सुकैफा की वजह से। और फिर मैं ये बात हमेशा कहता हूं, और मैं इदारे जाफरिया लंदन में भी कह रहा था, इस वक्त मैं अमेरिका में हूं, मैंने इदारे जाफरिया लंदन में हमारे बहुत सारे अहले सुन्नत भाई आते थे, मैंने मजलिस में ये बात कही कि अहले सुन्नत भाइयों को कलेजे से लगाओ, सीने से लगाओ, उनकी पेशानी को चूमो, मगर चूम को के उनसे जरूर कहो, उन्हें जरूर बताओ कि इस्लाम के साथ क्या हुआ, उन्हें जरूर बताओ अहले बैत के साथ क्या हुआ, क्या जुल्म हुआ, उन्हें बताना जरूरी है। अगर नहीं बताओगे तो हमारे अहले सुन्नत भाइयों को पता कैसे चलेगा? उनको बताओ कि सुल्तान अंबिया के जनाजे में मुशारकत नहीं की गई, उनको बताओ कि अली की विलायत को छोड़ दिया गया, उनको बताओ कि तारीख इस्लाम में कितना जुल्म हुआ, नबी की बेटी के घर को जला दिया गया, उनको बताओ कि तारीख मुस्लिमीन में सनन इब्ने माजा, सनन इब्ने दाऊद, इब्ने असाकिर, तारीख दमश और उसके अलावा सहाय सित्ता और दीगर तमाम कुतुब में ये बात मस्कूर है कि कितना जुल्म किया अहले बैत थार पर। और अगर उनको ये भी बताओ कि बुखारी को अहले बैत थार के फजाइल को लिखने में बुखार आ रहा था, कितने कम फजाइल लिखे हैं अहले बैत थार के, क्या ये जुल्म नहीं है? जब अहले सुन्नत भाई उम्मत मुस्लिमा पढ़ेगी तो उनको पता चलेगा। अच्छा, शुरू से ये शुरू से जुल्म क्या हुआ, ये शुरू से है, जिन्होंने बिला शिरकत खैरे 25 साल जिंदगी की रसूलुल्लाह के साथ, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा, उनसे चंद चंद रिवायतें ली गई, और जिन अजवाज मुतहरत ने जिनकी को अगर आप पूरा कैलकुलेशन करें तो चंद चंद महीने भी नहीं निकलते, उनसे हजारों रिवायात हैं, और जिनकी 25 साल की जिंदगी है उनसे नहीं। जज़ाकुमुल्लाह, वो रिवायतें सब मतरूदा हैं, मतरूका हैं, मरफूदा हैं, जाली हैं। मेरे पास रिवायत है, मेरे पास रिफरेंस है, कुतुब है, मेरे पास अहले सुन्नत की कुतुब में मजकूर है कि बाकायदा हुक्म था जाली रिवायतें पढ़ो अहले बैत के मुकाबले में। मसला अहले सुन्नत और शिया का नहीं है, अहले सुन्नत और शिया तो दोनों भाई जैसे हैं, मसला अहले बैत का है।
अहले बैत अतहार को कल क्या जवाब देगी उम्मत मुस्लिमा? जाली रिवायतें गढ़ी गई हैं, बाकायदा रुवात कुत्ताब साहिबाने कलम को खरीदा गया था, उनको काम पे लगाया गया था कि फर्दी और जाली रिवायतें को घड़ो। क्या ये बात समझ में आती है कहां आसमान शरफ अमीर और कहां जब पैदा होने वाले अपराध? जब रसूलुल्लाह के बाद अतहार का मुकाबला ऐसे अपराध से, तो आज जरूरत इस बात की है कि करबला की जब तारीख दोहराई जाए। एक पॉइंट और भी आ गया, सहराए करबला जो चूंकि मक्तल है, मक्तल से पहले क्या जुल्म हुआ वो बताने की जरूरत है। एक पॉइंट इसमें और भी जरूरत है कि अली पर क्या जुल्म हुआ, क्या नबी के घर को घेर नहीं लिया था? एक पॉइंट और भी इसमें आ गया, नहीं घेरा गया था रसूलुल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी हदीस नशर करने पर पाबंदी लगाई गई। अब कुछ लोग जो किराए के एजेंट हैं वो कहते हैं कि जी जनाबे अली के जो है पाबंदी नहीं, पाबंदी नहीं, कत्ल किया गया, कत्ल कत्ल, पढ़े तारीख दमिश्क को जाकर, पढ़े तारीख अरब। नहीं नहीं, उसकी उसकी उसकी, उसकी वकालत, अगर उसकी वकालत हो रही है नबी का नाम अली का नाम लेता था कत्ल, उसकी वकालत हो रही है कि ये खलीफा ने अच्छा किया कि इसकी वजह से उम्मत में इख्तलाफ नहीं हुआ, यानी कि एक पूरी जनरेशन मर गई जो मौला अमीर मोमिनीन के फजाइल जानती थी, बयान नहीं हो सके, अब उन फजाइल को लो और जिसको चाहो वो शेरवानी पहना दो। अब वो लोग तो रहे नहीं जिन्होंने रसूलुल्लाह से बनफसे नफीस सुना कि मेरे बाद अली की ये फजीलतें हैं, ये फजीलतें, ये फजीलतें हैं, वो तमाम लोग रसूलुल्लाह की हदीस बयान नहीं होने दी। और एक लंबे अरसे तक, दो से ढाई अशरे के बाद जब आप बयान करने पर आएंगे तो वो सारी हदीसें किसी और पे फिट कर दी जाएंगी। इसकी वकालत हो रही है आगे। यकीनन देखिए, मैं ये बात बार बार कहता हूँ, फिर कहूंगा, जुल्म है बाकायदा, यानी ये जुल्म सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अतहार में अली पर, हजरत फातिमा पर, हजरत हसनैन पर नहीं हुआ है, बल्कि ये जुल्म तो रसूलुल्लाह पे भी हुआ। क्या कलम और दवात दिया गया नबियों के सुल्तानों सरदार को? क्या ये बदतमीजी नहीं है कि सुल्तान अंबिया पैकरे कायनात बशरियत का अज़ीमुश्शान रहबर नूर बशरियत हादिये कायनात कलम दवात मांग रहा है कि मुझे दे दो, मैं कुछ तुम्हें लिख के देना चाहता हूँ। इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इत्रति अहले बैति मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी हत्ता यरिद अलियल हौद। क्या ये अहले सुन्नत की किताबों में, मेरे भाइयों की किताबों में नहीं है? तमाम कुतुब में मौजूद है ये हदीस, तमाम कुतुब में मौजूद है। तो जब मुसलसल ये बात वादे है, साबित है, असबत है इंदल जमीय कि नबियों के सुल्तान ने कहा कि दो चीजें तुम्हारे लिए हैं जो तुम्हें तबाही से बचाएंगी, एक कुरान है, दूसरे हमारे अहले बैत, तो कहां गई उम्मत मुस्लिमा? कुरान को कलेजे से लगाए हुए तावीज बना के पहन रहे हैं और अहले बैत के मसले में खामोश कहते हैं। शियों का मसला, अहले बैत शियों का मसला नहीं है, अहले बैत का मसला शियों का मसला नहीं है, आलम बशरियत का मसला है। बेदार हो जाए उम्मत मुस्लिमा, अगर जो अब तक नहीं जागा वो बेदार हो जाए। हमारे अहले सुन्नत उलमा को मैं सलाम करता हूं, जब वो जिक्र अहले बैत करते हैं तो उनसे कहते हैं आप शियों की ताईद कर रहे हैं। अरे भाई, शियों की ताईद नहीं कर रहे हैं, ये जिक्र अहले बैत कर रहे हैं। अहले बैत का जिक्र किया तो शियों की सुना ही नहीं है ना, नहीं सुना ही नहीं है मिंबरों से, सुना ही नहीं है। जब कोई सुनता है तो वो समझता है शायद ये शिया मेंबर, अजीब सी कैफियत हो जाता है। ये क्या है कैफियत? यानी कुरान आवाज दे रहा है, कुल ला सलकुम अलैहि अजरन इल्ला मुअद्दता फिल कुरबा, नमाज रोजा हज ज़कात खुम्स अखमास, ये इबादतें, ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये सफर, ये जहमतें, ये तकलीफें सब बेकार हैं अगर इश्क अहले बैत नहीं है तो। वाजिब अहले बैत अतहार से मोहब्बत, इंदल जमी इंदल जमील मज़ाहिब, ये साबित है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत वाजिब है, वाजिब। और शायद इसीलिए तो शाफई ने कहा था कि अहले बैत अतहार आपकी फजीलत के लिए यही काफी है, नमाज अल्लाह की, दुरूद आप पर पढ़ा जाता है, अगर दुरूद की मुहर न लगाई जाए नमाज पर तो नमाज बेकार है। नहीं, रसूलुल्लाह की रसूलुल्लाह की मुहर लगाना जरूरी है, ये शाफई का जुमला है। रसूलुल्लाह के फौरन बाद खास अजाब को कत्ल करना, उनको मुल्क बदर करना, उनको भूखा प्यासा रखना और उनको जो है वो निकालना, और हदीस 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 बयान करने पर पाबंदी लगाना और उसकी हिमायत की जाए, ना कि उसको कंडेम किया जाए और उम्मत को जगाया जाए। उसको नहीं, उसकी तारीफ की जा रही है, उसकी तारीफ की जा रही है आजकल इस अमल इस अमल की, इस फेल की, कि रसूलुल्लाह की हदीस पर पाबंदी लगा दी। यानी कि ये ऐसे है जैसे कोई कहे कि कुछ अरसे के लिए कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, मतलब हदीस कोई कुरान से कम है, फरमान रसूल कोई कुरान से कम है,
कि वो कहा जाए कि फरमाने रसूल बयान नहीं होगा, किसी हाकिम ने पाबंदी लगा दी और आज उसकी 14 साल के बाद हिमायत कोई हदीस बयान नहीं होगी। अब आप हिमायत की जाए कि एक तरफ तो उम्मत मुस्लिमा और दुनिया का हर फर्द और हर शख्स ये कहता है कि जबाने वही है, ये लिसाने वही है। ये क्या मतलब लिसाने वही है? कहते हैं कि ये बोलते नहीं मगर वही बोलते जो वही बोलती है। आयात है कि जबान मशीयत इलाही से कनेक्टेड है, यानी नबी वही बोलता है जो मशीयत इलाही होती है। तो जिसकी जबान पर, कलाम पर, बयान पर, सेइंग पर, लफ्ज पर, हर पर मशीयत इलाही या वही इलाही या आयात इलाही का पहरा है और उसकी हदीस पर आप पाबंदी लगा रहे हैं, अब हदीस बयान नहीं होगी। क्यों नहीं बयान होगी? उनको मालूम था अगर हदीस बयान होगी तो फजाइल आएंगे। इब्न अब्बास को रोका नहीं गया? पढ़े जाकर तारीख अरब को, पढ़े तारीख इब्न असाकिर को, पढ़े सवायक मोहरिका को। सवायक मोहरिका जला देने वाली बिजली, दुश्मनी में लिखी गई ये किताब, मगर कुछ इसमें ऐसी ऐसी रिवायतें आ गई जिसमें अहले बैत के फजाइल, बल्कि ऐसी बिजली जिससे आधा जल गए, दुश्मन जल गए। सवायक मोहरिका बाकायदा प्लानिंग के साथ लिखी गई, मगर इसमें कुछ ऐसी हदीस आ गई कि जिसके बाद दुनिया हिल गई। तो मैं ये जुमला हमेशा कहूंगा, जवानों गौर करने की जरूरत है। नबी की हदीस पर पाबंदी किसने लगाई? गौर कीजिए। अली की हदीस को बयान करने पर, फजाइल बयान पर करने पर पाबंदी किसने लगाई? 70 साल तक आसान बात है, तमाम रुवात को खरीद लेना, पाबंदी लगा देना। दो चीजें थी, या बिक जाओ या सर तुम्हारा कलम होगा। जबाने तो आज क्यों तारीफ आ रही थी? क्या आज क्यों हिमायत हो रही है? आज क्यों हिमायत कर रहे हैं लोग? हम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली, हम बयान देते हैं। जबान समय तम्मार की जबान नहीं काटी गई? क्यों काटी गई? किसने कटवाई हजरत मैं समय आज क्या आज क्यों हिमायत कर रहे हैं लोग? समय तम्मार की आज क्यों हिमायत कर रहे हैं लोग? आज भी क्या बनो भैया के दो बनो भैया का है जो वाकई मुजरिमीन है, और दूसरे अफराद जो है वो बेचारे उनका ताल्लुक इल्म से नहीं है, उन्हें खिबरा नहीं है। उन्हें यह कह दिया गया शियों की किताब है ये। भैया शिया की किताब नहीं, अहले सुन्नत की किताब में कहता हूं पढ़ो। मैं ढेर सारी अहले सुन्नत की किताबें का एक लिस्ट पेश कर दूं और पढ़ने के बाद खुदा की कसम अगर बशरियत हिल ना जाए तो कहिएगा। अहले सुन्नत की किताब में सब लिखा, इब्ने साकिर ने क्या लिखा है? तारीख दमिश्क को नहीं लिखा, दमिश्क के हालात को और अहले बैत के तमाम मसाइल को नहीं लिखा तारीख दमिश्क में, पढ़े जाकर उसमें। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि ये गौर करें कि अली पर किसने पाबंदी लगाई थी? अली अली के फजाइल बयान करने पर क्या रावी पर पाबंदी नहीं थी? कातिब पर पाबंदी नहीं थी? मौलिब पर पाबंदी नहीं थी? मुसन्निफ पर पाबंदी नहीं थी? रुवाते अहदीस पर पाबंदी नहीं थी? हद तक कि आयत नहीं बयान कर सकते, रिवायत छोड़िए, दलील है मेरे पास, मसादिर है मेरे पास, कुतुब है मेरे पास जिसमें यह बाकायदा साबित है, न आयत ना हदीस कुछ नहीं। क्या बयान करो फिर? का जाली हदीसें गढ़ो, जाली किसके खिलाफ? अहले बैत के खिलाफ, फुला की फजीलत में, फुला की बतरी 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 एक हुकूमत भी तो चल रही है, अहले बैत के खिलाफ काम किया है। अब कुछ बतरी भी उसका साथ दे रहे हैं। बहरहाल खुदा की लानत हो उलमाए सू के ऊपर भी और बतरियों पे भी, अहले बैत के फजाइल ना रुके हैं और ना रुकेंगे। ये वो बेकरार समंदर है। आज का दौर ये है, आज का दौर ये है कि दोनों अहले सुन्नत और अहले शिया दोनों शाना बशाना होकर, बाजू बाजू होकर फजाइल अहले बैत दुनिया के सामने पेश करें। ये यजीद के बाप का दौर नहीं है कि फजाइल रुक जाएंगे, ये हुकूमत वो हुकूमत नहीं है कि फजाइल रुक जाएंगे। आज मीडिया का दौर है, आज छपने की दौर है, आज छपेगी बातें दुनिया तक आज पहुंचेंगी। अजीजाने गिरामी, और आज जरूरी है, बताइए जराइम को बताइए, बताइए मदालिम को बताइए। जी जवाहिर, जवाहिर में शहजादी का खुतबा, जवाहिर में शहजादी खुतबा, अली की बेटी और खुतबे के, और खुतबे में, और खुतबे में किसने कहा कि मैं आज क्या अली मौला की आवाज सुन रहा हूँ? ये भी बात हुई थी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा हीनमा वसलत सय्यदतु ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अली की बेटी। अब आप देखें कि रुवात, राइटर, रिपोर्टर, मीडिया अफराद, अहबाब और असाकिर और अशायर और कबाइल ये समझ रहे थे ये रसन बसता है, बोलेगी कैसे, ये खिताब कैसे करेगी। जब पहुंची है तो एक मरतबा इब्ने ज़ियाद, इब्ने मरजाना, इब्ने अंजास, अखबसुर रजुल, अंजसुर रजुल, अर्दल, फासिको फाजर, ऐसा शख्स उसे उसे नुमाइंदा बनाया जा रहा है। यजीद तख्त पर बैठा हुआ अपने को खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहा, मुस्लिमीन का खलीफा, मुसलमानों तुम्हें यजीद मंजूर है, यजीद की खिलाफत चाहिए,
यजीद की खिलाफत तो खुल गई दुनिया के सामने, और जो माजी में दीगर गुजरे उनकी क्या खिलाफत थी? यजीद की खिलाफत और उसके जरायम तो खुल गए दुनिया के सामने, हुसैन ने सहराए करबला में जाके खोल दिया, वरना इसकी खिलाफत के जरायम खुलते नहीं। अगर अली की बेटी दरबार यजीद में न जाती और यजीद का जो खिताब था कि लाइबत बनू हाशिम बिल मुल्क, बनू हाशिम ने खेल खेला, ना कोई वही आई, ना कोई आयत आई, ना कोई नबी आया, ना कोई मुरसल आया, तो ये बात रुवात ना लिखते। अगर अली की बेटी ना जाती तो शाम के दरबार से पहले सईदा ज़ैनब कूफा पहुंची हैं। कूफा जब पहुंची हैं तो इब्ने ज़ियाद और जमाहीर का मजमा है। इब्ने ज़ियाद कहता है कई फराइज़ सुन अल्लाह बि अखीक अल हुसैन। अब आप देखें ज़ालिम मुजरिम दहशत गर्द इब्ने ज़ियाद, इब्ने मरजाना, इब्ने फिस्क व फुजूर, इब्ने नजिस, इब्ने अखबस, इब्ने जराइम, क्या जुमला इस्तेमाल करता है, कई फराइज़ थे। अब इसने अली की बेटी पर थोड़ी हमला किया, ये क्या ये अदबा अकला ये नहीं समझते कि इसका जुमला क्या है? कहता है कि तुमने खुदा, तुम अल्लाह वाले बनते हो, तुम लोग अल्लाह 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 यानी दुनिया है बशरियत को तुम अल्लाह से कनेक्ट करना चाहते थे, और अल्लाह ने क्या तुम्हारे साथ किया? सहराए करबला में भाई मारा गया, बेटे मारे गए, तुम्हें असीर कर दिया, कि तुम्हारे साथ ये हुआ और अल्लाह वाले बनो, यानी तंजिया जुमला है ये फासिक फाजर वक्त के दहशत गर्द और नुमाइंदे यजीद का, नुमाइंदे शैतान का, मुजरिम का, इब्ने मरजाना का, जमीन कूफा पर, और सारा का सारा जमाहिर खामोश है। मैं यहां पर ये जुमला बैनुल कौसैन कहना चाहता हूं, इतना बड़ा जमाहिर, इतना बड़ा क्राउड, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जिसमें यजीदी हैं, इब्ने ज़ियाद के लोग हैं, अफराद भी हैं, कूफी भी हैं, और दीगर मनातिको अरियाफो मदुर से लोग भी कूफे में आए हुए हैं। जब ये जालिम इतना सख्त तरीन जुमला तौहीद पर हमला कर रहा है, कोई बोला कि इब्ने ज़ियाद ये जुमला क्यों कह रहा है? इससे तो तौहीद पर ज़र्ब लगेगी। क्यों खुदा के खिलाफ क्यों खामोश थे? क्या रसूलुल्लाह के बाद जो हदीस बयान करने पर पाबंदी लगी और यके बाद दीगरे सखीफा के बाद खिलाफतें आईं, क्या उसकी वजह से लोगों का इस्लाम ठंडा हो चुका था, लोगों की गैरत और हमियत मर चुकी थी? ये गैरत और हमियत मर गई ना, मतलब एक आदमी हमला कर रहा है, इस्लाम मिल कहा रहा था, आबे इस्लाम उनको मिल कहा रहा था, शीर इस्लाम उनको मिल कहा रहा था, रूह इस्लाम उनको कहाँ मिल रहा था, इस्लाम कहाँ था, कहाँ इस्लाम था, उनको पता ही नहीं कि पैगाम पैगंबर क्या है, उनको पता ही नहीं आदमी से पैगंबर क्या है, उनको पता ही नहीं अक्सरियत को कि जुबाने वसी वही से और जुबाने रसालत से वो जो जुमले जारी हुए हैं अली के लिए और हुसैन के लिए वो क्या, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि पाबंदी बाकायदा आए। बिल्कुल सही, कंटिन्यू रखें कबला, कंटिन्यू रखें, थोड़ा सा स्टक हुआ है, और मामला और प्लानिंग की जा रही है, तो उसके बाद जो नेशन और जनरेशन आएगी उसका आलम क्या होगा? आयत पर पाबंदी, हदीस पर पाबंदी, मुअर्रख पर पाबंदी, कातिब पर पाबंदी, खतीब पर पाबंदी, जाकिर पर पाबंदी, आइमतुल जुमा पर पाबंदी, सब पर तो पाबंदी है, हुकूमत के लोग हैं, तलवार गर्दन पर लटक रही है, जबानें कट रही हैं। अब उसके बाद ये जो माजरा सामना कूफे का आया है उसकी वजह यही है कि इस्लाम की रूह जो है उनके दिलों में नहीं उतरी थी, वो इस्लाम इस्लाम की बातें तो कर रहे थे, बट इस्लाम की चाशनी, इस्लाम की खूबी, इस्लाम के कमालात, आबे इस्लाम, रूहे इस्लाम उन तक बिल्कुल नहीं पहुंचा था। फिर क्या पहुंचा था उन तक? जो पहुंचाने वाले थे उनके पास इस्लाम था ही नहीं, तो कि इस्लाम देते वो, जब इस्लाम था ही नहीं उनके पास कि इस्लाम वहां तक पहुंचता सही मानों में, उसकी वजह यही थी। वरना अगर एक बंदा भी या चंद अफराद भी अगर कर जुमला कह रहा था कई फराइज़ सुन अल्लाह बि अखीक अल हुसैन, तो उस वक्त जमाहीर को बोलना चाहिए था कि इब्ने ज़ियाद मसला तेरा अहले बैत थार के साथ है, मगर खुदा पर हमला क्यों करा? इसका मतलब मुजरमीन ने, दहशत गर्दों ने सुकैफा के स्टक हो रही है आपकी आवाज़, पर हमला हो खामोश रहो, नबुवत पर हमला हो खामोश रहो। अब अली के बेटे ने जवाब दिया, मा राईतो इल्ला जमीला, मैंने अहसन तरीन, अजमल तरीन पाया है। जी कबला, पुलिस स्टक हो रही है आवाज आपकी बीच में, रुक रुक के आ रही है, बिस्मिल्लाह जी, कंटिन्यू करें जी, अब आइए कंटिन्यू करें जी।
जी बिस्मिल्लाह कंटिन्यू करें। तौहीद को, तौहीद को जी नाजीन, थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, थोड़ी सी थोड़ी सी स्टक हो रही है आपकी कॉल, आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी स्टक हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है और कोशिश करेंगे कि दोबारा से कबीला को दोबारा रिकनेक्ट कर लिया जाए। बिस्मिल्लाह फरमाइए। तौहीद को बचाया है अली की बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, यानी एक सेंटेंस है इब्ने मरजाना यजीद का, जो नुमाइंदा मुजरिम दहशतगर्द खूंखार खतरनाक दुश्मन दीन का। जवाब क्या है अली की बेटी का? माराई तो इल्ला जमीला, यानी मैंने खुदा के तर्ज को, अमल खुदा को अपने भाई के मसले में और शोदाई करबला के मसले में अहसन तरीन पाया। तो इस हमले पर कूफी खामोश थे, तौहीद पर हमला कूफी खामोश। अच्छा, ये मिजाज कैसे बना? चूंकि मसबक जो हुकूमतें और खिलाफतें गुजरी थी, तौहीद पर हमला हो खामोश, नबूवत पर हमला हो खामोश, कलम दवात ना दो खामोश, नबी का घर घर घेर लो खामोश, सुकैफा में चले जाओ खामोश, सुल्तान अंबिया के जनाजे में शिरकत ना करो उम्मत मुस्लिमा खामोश। तो चूंकि ये मिजाज ऐसा बन चुका था, वो बोधर नहीं कर रहे थे, उनको कुछ फील नहीं हो रहा था कि ठीक है उसने कहा अब तौहीद पर करे, नबूवत पर करे। यानी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि रूह दीन, या यू कह दूं रूह बशरियत निकल चुकी थी इंसानों के अंदर से। रूह फूकी अली की बेटी ने अपने खिताब से कूफे में जाकर और कहा माराई तो इल्ला जमीला, मैंने खुदा को भाई के मसले में, शहदाए करबला के मसले में, करबला में मेरे भाई के लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, जुल्म हुआ, मेरे भाई ने कुर्बानी पेश की, मगर खुदा पर अगर तू हमला करता है तो खुदा के तर्ज अमल को या इम्तिहान जो खुदा की तरफ से था, मैंने उसको अहसन तरीन पाया है। उसके बाद आपने जो सवाल किया कि जब अली की बेटी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब आगाज किया है, आगाज से पहले, आगाज से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, आगाज से पहले इब्ने ज़ियाद ने प्लानिंग ये की थी, उसका मंशा ये था, उसके जहन में नहीं था कि अली की बेटी खिताब करेगी, वो ये सोच रहा था कि कोई शायद नुमाइंदगी करके बोले, तो प्लानिंग ये थी कि शोर इतना होना चाहिए कि कोई कलाम ना कर सके, तारुफ ना करा सके, ना मौर्रिख बोल सके, ना राइटर बोल सके, ना मीडिया बोल सके, ना अफराद बोल सके, ना साहब बोल सके, कोई ना बोल सके, इतना गौगा शोर हलचल, बहुत ज्यादा असाकिर, बहुत ज्यादा अफवाज, तो नोबडी वाज एबल टू टॉक। एक मेला लगा हुआ है, उस मेले में कोई इंसान बात कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अब जरूरत इस बात की थी कि वो शहजादी जो, जिसके बाबा को कहा जाता है कि जो आलम अरवाह पर जो हुकूमत करते हैं, उस जात को अली कहते हैं, यानी मुर्दे को जिंदा कह दें तो वो जिंदा हो जाए और जिंदा को मुर्दा कह दें तो मुर्दा हो जाए। उस अली इब्न अबी तालिब की बेटी सैयदा ज़ैनब जो मालिका, मलिका और मलिका है, उसने अशौरत इलन्नास अनसुतु और उसकुतु, अली की बेटी ने लोगों से कूफे में खामोश होने के लिए नहीं कहा, लफ्ज खामोशी का इस्तेमाल नहीं किया कि उसको तो नहीं कहा कि तुम खामोश हो जाओ, बल्कि इशारे खामोशी किया। बात वाज़ेह हो रही मुसी साहब? बिल्कुल। इशारे खामोशी किया, इशारे खामोशी क्या होता है? यूं इशारे खामोशी, यूं अली की बेटी ने यूं इशारा किया। अब जब यूं इशारा किया, सकनतिल अस्वात वल अजरास व इर्तद्दतिल अनफास, यूं किया है, सांसें ठहर गईं, आवाजें रुक गईं, जी 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 जज़ाकुमुल, आवाजें रुक गईं, सांसें ठहर गईं, आवाजें रुक गईं। अब उस वक्त अली की बेटी ने जब खिताब करना शुरू किया, तो एक शख्स जो बूढ़ा शख्स था, काफी बूढ़ा था,
उसने आवाज दी, अस्मअ सौता अली जिन अली सलातो सलाम, मुझे तो अली की आवाज आ रही है। क्या अली कूफे में आ गए? रिवायत के जुमले वो कहता, हल जा अली जुन अली सलातो सलाम, के अली पलट गए, फिर आ गए पलट कर, अली आ गए। फाजाबा रजुल वकाल ला, अली तो नहीं है, फिर कौन बोल रहा है? ये तो अली बोल रहे हैं। इसका मतलब लहजा भी ऐसा हो कि बेटी जैनब खिताब करे, मगर लहजा ऐसा हो कि लगे कि अली बोल रहे हैं। अली लहजे में भी अली हो, अंदाज में भी अली हो, अतवार में भी अली हो, तरीकत में भी अली हो, इल्म में भी अली हो, हैबतो जलालो हशमो जुरात में भी अली हो। अली मुकम्मल हैबते अली का मजमुआ जो हो, शजाअतो बसालतो हमासो जुरातो, इल्म की जो शहजादी है उसने खिताब किया। अब जब खिताब किया तो कूफे के लोग खामोश। अब यहां पर मैं जुमला अर्ज करूंगा कि अशारत इलन्नास, रुवात ने क्या लिखा, इर्तद्दत इलन्फास। अनफास मुसी साहब नफ्स की जमा है, नफ्स सिंगुलर है अरबी में, अनफास उसकी प्लूरल है, जमा है। जब अली की बेटी ने इशारा किया है ना, इशारा ही खामोशी यूं, और तद्दतिल अनफास। कभी इस पर गौर किया है उम्मत मुस्लिमा ने बैठकर, सोचा है कभी इर्तद्दतिल अनफास क्या लफ्ज है, इस्तेमाल क्यों ये लफ्ज आया है तवारीख में? इर्तद्दतिल अनफास का क्या मतलब है? इर्तद्दतिल अनफास का क्या मतलब है? कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इर्तद्दतिल अनफास का मतलब नफ्स का पलट जाना, चले जाना, ठहर जाना, रुक जाना, वापस हो जाना, मुर्तद हो जाना, उस तरफ चले जाना जिधर से आया है, वहां चले जाना, असल की तरफ पलट जाना। क्या मतलब? अगर नफ्स ठहर गए तो मतलब मौत। इर्तद्दतिल अनफास यानी मौत। अली की बेटी ने जब इशारे खामोशी किया तो कूफी मौत की हिचकी लेने लगे, हिचकी मौत की लेने लगे। बहुत जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं। मौत की हिचकी, मौत की हिचकी कैसे लेने लगे? यानी जो शरीर थे, जो असाकिर थे, जो अफवाज थी वो बोलना चाहती थी, जो दुश्मन और आदा थे वो डिस्टर्ब करना चाहते थे। जैसे नबी को डिस्टर्ब करने के लिए अबू जहल ने कोशिश की थी, और वक्त के अबू तालिब ने आंखों के इशारे और हैबत से वक्त के अबू जहल को खामोश किया था, इसी तरह अबू तालिब की पोती अली की बेटी ने इशारे से खामोश किया, मौत खींच की, यानी यूं गला पकड़ लिया था कूफी अशरार ने, और बोलना चाह रहे थे मगर बोल नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर सकते हैं, मर सकते हैं, इसलिए कि वो मंजिले कुन फयकुन पर है, ये जात, ये शहजादी, ये अम्बला, ये रईसा, ये मुतकल्लिमा, ये नातिका, ये हौरा, ये सिद्दीका, ये ताहिरा, ये रादिया, ये मर्दिया, ये ममलकत शरफ की अम्बला, ये रईसा, ये उम्मुल मसाइब, ये जबल सब्र उस मकाम शरफ पर है जिसे वक्त का इमाम सलाम करे, जिससे वक्त का इमाम मशवरा करे। आप गौर फरमाएं, मशवरा वक्त का इमाम करे, इमाम मशवरा नहीं करता है, उसे हुक्म इलाही नहीं है कि किसी से आप मशवरा करें, इसलिए कि इमाम नुमाइंदा इलाही होता है, मगर नुमाइंदा इलाही जिससे मशवरा कर रहा है उस जात को, शख्सियत को सैयदा ज़ैनब कहते हैं। वहां पर जब खिताब किया, अब जब अली की बेटी ने जब खिताब किया तो रूह करबला को अली की बेटी ने अपने खिताब में उतार दिया, जुरात करबला को, कुर्बानी करबला को, पैगाम करबला को, पैगाम हुसैनी को, शहादत हुसैनी को, रूह इस्लाम को, रूह दीन को अपने खिताब में उतार कर उंडेल दिया अपने लफ्जों में, और उंडेल कर यजीदियत के खैमों को उजाड़ दिया, उखाड़ कर फेंक दिया अली के बेटी ने कूफे में जाकर। अब जमाहीर को यह पता चल गया, उन्होंने पूछा, मादा जराफी अर्द करबिन व बला, क्या हुआ करबला में? जब खिताब सुना तो पूछा, क्या हुआ करबला में? मादा हदसा फी अर्द करबिन व बला, क्या हुआ अर्द करबला में? अब जाहिर है कि लोगों में शुरू हो गई कि करबला में हुआ क्या, तो अली की बेटी सोए हुए अफराद के जहन को भी जगाती हैं, रूह इस्लाम को भी फूकती हैं, करबला के पैगाम को भी बताती हैं, और कुर्बानी जो इमाम हुसैन ने, असहाब हुसैनी ने, औलाद हुसैनी ने सहराए करबला में जो कुर्बानी पेश की वो भी अपने खिताब में बयान करती हैं।
तो इसका मतलब खुदा की कसम सईदा जैनब का वो मकाम है, मैं जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ, बहुत अहम जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ, उम्मत मुस्लिमा गौर कर ले, सईदा जैनब का वो मकाम है इस्लाम में कि तौहीद को अगर रूह अगर किसी ने अता किया उसे जैनब कहते हैं, रसालत को रूह अगर किसी ने बख्शा है तो उसे जैनब कहते हैं, इमामत को रूह अगर किसी ने बख्शा उसे जैनब कहते हैं, या यूं कह दूं कि दीन की अगर कोई रूह है तो वो सईदा जैनब है। करबला के तमाम कुर्बानियों का सिलसिला और करबला की तमाम कुर्बानियों की जो शुआ थी, जो नूर करबला, जो कुर्बानियों के बाद जो एक नूर सहराए करबला से साते हुआ था, उस नूर को लेकर अली की बेटी कूफा पहुंची और उस नूर को अली की बेटी ने कूफे तक पहुंचा दिया, कुर्बानियों का नूर, और कूफे से शाम तक पहुंचा दिया। जज़ाकअल्लाह क़िबला, गुफ्तगू को यहाँ पे क़िबला रोकते हैं क्योंकि अभी आने वाले अय्याम में इसको कंटिन्यू करेंगे और यकीनन शहज़ादी के जो खुतबात हैं उसमें एक एक लफ्ज़ की जो ज़रूरत है कि उसकी शरह की जाए, क्योंकि आपने जहाँ पर अरबी अद्वियात का जो है वो एक बेतरेख जिसको कहा जाएगा इस्तेमाल किया है, और मैं फिर कहूँ कि एक ऐसे माहौल में जहाँ पर ना बोलने वाले के लिए, खिताब करने वाले के लिए, कलाम करने वाले के लिए नामौजू हालात हैं, वो साजगार माहौल नहीं है जिसके अंदर इंसान अपने होश आवाज पर काबू रख कर गुफ्तगू करे, मगर वहां पर ऐसा कलाम किया कि जो अद्वियात के माहिर हैं वो दंदान चिगंद रह गए हैं कि ये किस नहज का और किस आला मर्तबे का कलाम है। तो उसकी जरूरत है इस अमर की कि आपके इन अय्याम में जो है वो उन खुतबात के एक एक लफ्ज की शरह की जाए। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम होता है, आने वाले अय्याम में यकीनन आपके खुतबात को लेकर आगे बात करेंगे और हमारी और आपकी अगली मुलाकात